सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हमारे आदेश के बावजूद SBI ने अभी तक यूनिक ID नंबर क्यों नहीं डिस्क्लोज किया, जब हमारा आदेश साफ है तो SBI क्यों नहीं डेटा रिलीज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा किया जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी डिटेल साझा किए जाएं। SBI के चेयरमैन को अब 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी और इस बाबत एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुनवाई हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर आदेश दे दिए हैं कि SBI की तरफ से जो डाटा है वो रिलीज किया जाए, क्लियर डाटा दिया जाए, सभी डिटेल्स शेयर किए जाएं, 21 मार्च तक सभी जानकारी दी जाए। शाम 5 बजे तक का समय वक्त दिया गया है कोर्ट की तरफ से। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा, क्योंकि SBI चेयरमैन हलफनामा भी दे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। SBI क्यों नहीं कर रहा है डाटा रिलीज, ये सवाल भी पूछा गया। अब तक UID क्यों नहीं जारी की गई और UID नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया, तमाम सवाल भी पूछे गए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको देंगे, जयपुर से ये बड़ी खबर है। जल जीवन मिशन में घोटाले का ये पूरा मामला, पूर्व मंत्री महेश जोशी से ईडी पूछताछ करेगी और ईडी ने महेश जोशी को पेश होने का समन भेजा है। महेश जोशी मामले में ले रही है विधिक राय, आपको बता दें, और ईडी से जवाब देने के लिए मांगा जा सकता है समय। महेश जोशी ने कहा है कि जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। दो दिन पहले ही मिला है ईडी का नोटिस। नोटिस पर एक्सपर्ट से ली जा रही है सलाह। जलदाय विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों से पूछताछ हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जयपुर से ये बड़ी खबर है। दरअसल जल जीवन मिशन में घोटाले का ये पूरा मामला है, ऐसे में मंत्री महेश जोशी को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से और फिलहाल महेश जोशी ने समय भी मांगा है। राकेश संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राकेश, देखिए, पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, समन भेजा गया है, जल जीवन मिशन घोटाले का ये पूरा मामला है। महेश जोशी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनने थोड़ा समय मांगा है ताकि वो आराम से ईडी के सारे सवालों के जवाब दे सके। अब बिल्कुल, देखिए, हमारी डॉक्टर महेश जोशी से बात हुई, उन्होंने कहा था कि ईडी का समन मिला है और उस पर विधिक राय ली जा रही है। जहां तक ईडी के समन की बात है, ईडी समन भेजती है पूछताछ के लिए, क्योंकि अब से पहले जितने भी लोग इस जांच में शामिल थे उनसे भी पूछताछ हुई है, उनके बयान ईडी ने दर्ज किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक महज अफवाह बताई है डॉक्टर महेश जोशी ने कि गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जब मामला प्रूव हो जाता है उसके बाद ही गिरफ्तारी करती है। अभी जिन अधिकारियों से पूछताछ हुई है, जांच हुई है, उनमें से किसी की भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही अभी PMLA जब प्रूव हो, संडे बीच में आ गया, 17 तारीख का संडे था, संभव नहीं था कि मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर पाऊं, इसलिए मैंने ईडी को ये जवाब भेजा है इस रिक्वेस्ट के साथ में कि मेरे को कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाए, मैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकूं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट जाऊंगा तो भी कोई जाने का अर्थ नहीं है। तो ये मैंने उनको लेटर भेजा है, ये प्रक्रिया का भी हिस्सा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नोटिस भेजा जाता है वो किसी भी कारण से आने की स्थिति में नहीं है तो 2-3-4 बार कम से कम उसको टाइम दिया जाता है। मैं अपेक्षा करता हूं ईडी से कि मैंने जो टाइम मांगा है कम से कम उतना टाइम तो ईडी मुझे देगी। सर, 16 जनवरी को आपके घर पे और आपके सहयोगियों की यहां भी एक रेड हुई थी, उस रेड में क्या मिला था, उसके बारे में कुछ पूछो। देखिए, मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं मिला। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सिस्टम हो गया आजकल, 10 जगह पे कार्रवाई होगी तो उनका जो प्रेस नोट बनता है, एक इकट्ठा प्रेस नोट बना लेते हैं, ये उन्होंने सिस्टम बना लिया अपना, किसके अलग अलग क्या मिला क्या नहीं मिला ये नहीं बताते, उन 10 जगहों पे कुल मिला के क्या मिला वो प्रेस नोट में उसका जिक्र करते हैं। तो मैं नहीं समझ पाया हूं अब तक कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रक्रिया का हिस्सा है तो मैं इस पर कोई आपत्ति भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहता जरूर ये हूं कि जब किसी के यहां कोई कार्रवाई हो, सर्च हो, रेड हो, उसके क्या मिला अलग अलग बताया जाना चाहिए, जिससे जनता में कोई भ्रम की स्थिति नहीं हो। तो 16 आज जो मेरे को पेश होना था उसके लिए मैंने जवाब भेजा है, राइटिंग में जवाब भेजा है,
वो जब आप वहाँ ईडी में पहुंच गया, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले समय में कम से कम उतना टाइम जो मुझे मैंने मांगा है वो मिलेगा, उससे ज्यादा मिले तो और बेहतर है। सर, एक बीजेपी में जाने की अटकने भी आपकी लग रही थी, क्या इस नोटिस के बाद में अटकने कमजोर हो गई या फिर कुछ? जवाब तो आप ही दे सकते हो, अटकलें भी आपने लगाई, कमजोर रहेंगी ताकतवर रहेंगी ये भी आप बताओगे। मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल से मैंने कोई अधिकृत कोई बात की नहीं है, लेकिन आपने अटकलें लगाई आप ही जवाब दोगे। लेकिन सर, क्या ईडी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके और कांग्रेस के नेताओं को परेशान करके बीजेपी में शामिल करने का दबाव बनाया जा रहा है, आप पर भी ऐसा हो रहा है? अभी तक तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे से किसने कॉन्टेक्ट किया नहीं, लेकिन ये आरोप तो लगे हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं ये बात उनसे पूछी जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है मेरा सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं हो, लेकिन जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति आरोप लगाता है तो किसी आधार पर आरोप लगाता है। आपने भी बहुत बार लगाए सर, जब कांग्रेस के नेता छोड़कर जाता है तो यही बात आती है सामने। मैंने कभी भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पे कभी सवाल नहीं उठाया। मैं एक चीज कहता हूं, जांच एजेंसियां आए, जांच करें, निष्पक्ष तरीके से जांच करें, कोई अगर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि जेजेएम जिसकी बात की जा रही है, इसके किसी भी टेंडर में, पहली बात तो ये 22,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ कहता है, कोई 2,000 करोड़ कहता है, अलग अलग चैनल में अलग अलग फिगर चल रहा है। 20-22 हजार करोड़ का टेंडर तो मेरे ख्याल से शायद 2019 जब से जेजेएम चालू हुआ है तब से लेकर और हमारी सरकार अंत तक कुल भी शायद ना हुआ। मैंने एक बार शायद जून जुलाई के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब मैं मंत्री था, तब तक 16,000 करोड़ रुपए कुल टेंडर हुए थे। हमने उससे पहले 22,000 करोड़ रुपए के टेंडर हमारे टाइम पे फ्लोट हुए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि टेंडरों में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, न मेरी कोई भूमिका थी, न वर्तमान मंत्री उनकी कोई भूमिका है, न उससे पहले कल्ला जी मंत्री थे उनकी कोई भूमिका थी। एक सिस्टम बना हुआ है, पारदर्शी तरीके से टेंडर होते हैं, ऑनलाइन टेंडर होते हैं, वो प्रक्रिया आप लोगों को भी पूरी पता है, जिसमें मंत्री का कोई दखल नहीं होता। तो प्रक्रिया पूरी तरीके से की गई, कोई शिकायत अगर आती है तो शिकायत पर जांच हम लोग कराते हैं। आजकल तो सेल्फ अटेस्टेशन का जमाना है, कोई डॉक्यूमेंट कोई लगाता है, कोई कंपनी लगाती है, तो टेंडर जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर एक अपना आप क्लॉज डले हुए होते हैं कि अगर कोई पेपर अगर कोई दस्तावेज गलत लगाया गया तो कंपनी भुगतान उसके लिए जिम्मेदार होगी। तो सेल्फ अटेस्टेशन के जमाने में जब तक कोई शिकायत नहीं आवे तब तक जांच भी क्या कराएं, कोई शिकायत आती है तो जांच कराते हैं। मैं उस टाइम पे हमारे 20-22 हजार करोड़ रुपए का टेंडर करीब हमने मेरे ख्याल से शायद जनवरी फरवरी के आसपास 2023 में उस टाइम पे उनमें टेंडर प्रीमियम था जो भेजा गया फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया उसको, तो टेंडर कैंसिल कर दिया। उसके बाद कुछ मेरे शायद सितंबर के आसपास में कुछ और टेंडर हुए थे, वो टेंडर इस सरकार के बनने के बाद में मंत्री बने नहीं थे, उससे पहले ही ACS जो पहले वाले ACS थे वो भी कंटिन्यू कर रहे थे, उन्होंने उनको किन्हीं कारणों से रद्द किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से जलदाय मंत्री विभाग अलॉट हुए हैं उसके बाद से लेके अब तक किसी टेंडर पे कोई कार्रवाई मैं समझता हूं कि नहीं हुई। जो पुराने कार्रवाई हमारे टाइम की चल रही है, ये कोई पदमचंद जैन नाम का ठेकेदार है उस पर जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई हमारे टाइम से ही शुरू हुई कार्रवाई है। ACB ने उसके रेड मारी, ACB ने चालान पेश किया, ईडी तो इसलिए एंटर कर पाई ईडी की ACB ने कार्रवाई की थी, अगर ACB कार्रवाई नहीं करती तो ईडी भी नहीं कार्रवाई कर पाती, तो ACB ने कार्रवाई करी, उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे कोई एतराज नहीं है, चाहे ईडी हो चाहे ACB हो, कोई जांच एजेंसी हो, वो अपनी कार्रवाइयां करे, निष्पक्ष तरीके से करे, लोगों को बेवजह परेशान नहीं करे, किसी तरीके के दबाव में नहीं आवे और जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लेकर आवे। संजय बढ़ाया का क्या रोल है सर, ये आपके नजदीकी है, PhD से इनका क्या कनेक्शन था, इनसे भी पूछताछ हुई कुछ दिन पहले?
आप किसी की भी जो ईडी जो पूछताछ कर रही है, आप किसी भी जिसे जेजेएम से संबंधित जो पूछताछ करिए, डिपार्टमेंट के इंजीनियरों से तो क्या पूछताछ हुई मुझे पता नहीं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, मैं समझता हूं उनमें से किसी का भी किसी टेंडर में जेजेएम में कोई लेन देन नहीं, ठीक है। उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से अकेले संजय बड़ाया का ही सवाल नहीं है, जितने भी लोग जो डिपार्टमेंट से बाहर कई लोगों को उन्होंने ईडी ने सर्च किया है, उनसे जो जानकारियां मांगी जा रही हैं वो अलग तरीके की जानकारियां हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम कर। तो फिलहाल आपने सुना कि किस तरीके से महेश जोशी की तरफ से ये पूरी जानकारियां दी गई है और अपने सारे जो सवालों के जवाब हैं वो यहां पर वो देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने ईडी से कुछ समय मांगा है, अब देखना होगा कि उन्हें समय मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल जरा एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। कोटा से ये बड़ी खबर है, कांग्रेसी नेता अमीन पठान को बेल मिलेगी या जेल मिलेगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद आएगा जमानत अर्जी पर कोर्ट का फैसला। फिलहाल कोच की सेंट्रल जेल में बंद है अमीन पठान। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, अनंतपुरा इलाके के बाजारों को समर्थकों ने बंद किया है, राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो फिलहाल की बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही है। दरअसल अमीन पठान की कल गिरफ्तारी हो गई थी, ऐसे में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है कि क्या अमीन पठान को जमानत मिलेगी या नहीं, जेल के अंदर रहेंगे या बेल मिल जाएगी, इस पर आज जो है सुनवाई होने वाली है। थोड़ी ही देर में जमानत अर्जी पर कोर्ट का फैसला सामने आएगा और इसी का इंतजार भी किया जा रहा है। समर्थकों की तरफ से बाजार बंद किया गया है विरोध में, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राज्य कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है। धौलपुर से बड़ी खबर देंगे, रिंकू गुर्जर हत्याकांड मामले में अपडेट सामने आया है। मामले में फरार दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आरोपी लवकुश और जितेंद्र गिरफ्तार, दोनों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो रिंकू हत्याकांड मामले में यह अपडेट सामने आया है, आरोपी लवकुश और जितेंद्र को पुलिस ने पकड़ा है, दोनों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल दोनों की ही गिरफ्तारी हो गई है और इस पूरे मामले पर ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। चलिए अगली खबर पाली से देंगे आपको, जहां खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई है, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। करीब 800 बीघा जमीन पर फैल गई आगजनी में पशुओं का चारा, काफी पेड़ पौधों के भी जलने की खबर है। जैसे इस बात की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। हालांकि इस बीच आग बुझाने के लिए जिला मुख्यालय से पहुंची दमकल गाड़ी रेत में फंस गई है। रेत में फंसने पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से दमकल गाड़ी को बाहर निकाला है। काफी देर बाद गांव वालों और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं चाप किस तरीके से आग की लपटें जो है वो फैलती ही चली गई। खेतों में ये भीषण आग का तांडव देखने को मिला। 4 किलोमीटर एरिया। अगली खबर प्रतापगढ़ से आपको देंगे, जहां पेड़ पर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में युवक के गुमशुदगी की तहरीर भी दर्ज कराई थी। शुरुआती जांच में हत्या कर पेड़ पर टांगने की आशंका जताई जा रही है। जिस पेड़ से शव लटका मिला है उसे खेत के मालिक ने बताया है कि वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर पानी पी रहा था, तभी ऊपर उसकी नजर ऊपर गई और महुए के घने पेड़ पर उसे एक युवक दिखाई दिया। ध्यान से देखा गया तो रस्सी से बंधा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। ये पूरा मामला कनाट गांव का है। होली का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है। नेताओं की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां वो होली के रंग में डूबे नजर आ रहे। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को चूरू में राजेंद्र सिंह राठौर अलग ही अलग अंदाज में नजर आए। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर राजेंद्र राठौर, दोनों ही होली की मस्ती में पूरी तरह सराबोर है। भजन मंडली के बीच गाना बजाना हो रहा है। सबसे पहले तस्वीरों को देखिए,
जोधपुर में लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत कैसे फाग के राग में मशगूल हैं, गंग श्याम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भगवान के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत कभी मंजीरा बजा रहे हैं तो कभी माइक होरिया गायन करते हुए दिख रहे हैं। भजन मंडली के साथ होली के रंग में गजेंद्र सिंह पूरी तरह सराबोर नजर आए। उनके साथ वहां मौजूद भक्त भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये तस्वीरें बेहद मन भावन नजर आ रही हैं। अब जरा दूसरी तस्वीरों पर भी नजर डालिए। ये तस्वीरें हैं चुरू के जिला मुख्यालय की, जहां बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी फागोत्सव में डूबे हैं। हाथों में चंग है और चारों तरफ थिरकते कदम। चुरू में चंग और गिंदर में रस्सिये जमकर थिरक रहे हैं। देर रात तक चौक चौराहे चंग नृत्यों में अलग अलग वेशभूषाओं में सजे युवाओं ने जमकर नृत्य किया और उनके साथ राजेंद्र राठौर मगन होकर भी फाल्गुनी मस्ती में डूबे नजर आए। राजेंद्र राठौर ने चंग बजाने के साथ धमाल की राग में फिल्मी गाने भी गाए। राजेंद्र राठौर ने होली की मस्ती में दोस्ती पर भी गाने गाए। कार्यक्रम की शुरुआत राठौर ने चंग पर थाप लगाकर की और इस दौरान चुरू विधायक हरलाल सहारण भी उनके साथ थिरकते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर झुंझुनू से आपको देंगे, जहां 61 दिन से चल रहा किसानों का धरना स्थगित हो गया है। किसान 1994 की यमुना जल समझौता को सही तरीके से लागू करने और नहर की बनी हुई पुरानी डीपीआर को मंजूरी देने की मांग कर रहे थे। किसानों ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की पालना को लेकर धरने को अस्थायी तौर पर स्थगित करने का निर्णय लिया है। किसान नेता सुरेश महला ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता को लेकर धरना अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया है। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि 1994 के जल समझौते को लागू करने और यमुना नहर के पानी को लेकर 30 साल पहले बनी सहमति के अनुसार शेखावाटी को उसका हक का पूरा पानी दिलवाने की मांग का मुद्दा लोकसभा चुनावों में बनाया जाएगा। के यमुना जल समझौते को लागू करवाने की मांग को लेकर के जगह जगह पर आंदोलन चले हैं और सुल्ताना के अंदर आज यमुना जल समझौते को लागू करवाने के लिए 61वां दिन है और हमारा क्षेत्र है वो पानी की वजह से वीरान हो गया है। कुओं का पानी सूख गया है और किसान का पशुधन है वो औने पौने दामों पर बिक गया है। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे स्थित सब्जी मंडी में झूलते विद्युत तार हादसों को न्योता दे रही हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी समस्या को जानते हुए भी बेपरवाह बने हुए हैं, जिसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया है। ग्रामीण ईश्वरी कुशवाह ने बताया है कि मंडी में विद्युत तार जमीन से मात्र 3 फीट की ऊंचाई पर है। सब्जी मंडी में प्रतिदिन लोगों का आवागमन रहता है तो वहीं इन झूलते विद्युत तारों के नीचे से होकर महिलाएं और बच्चे निकल रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण अपने पशु भी लेकर निकलते रहते हैं। नागरिकों ने एसडीएम से झूलते विद्युत तारों की दुरुस्त करवाने की मांग की है। दौसा लोकसभा सीट पर भले ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन युवा नेता नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज युवा नेता नरेश मीणा दौसा पहुंचे और नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद उन्होंने दौसा में चुनावी कार्यालय शुरू करने की बात कही। आपको बता दें, इसी के साथ ही 27 मार्च को वे नामांकन भी दाखिल करेंगे। मैं 27 तारीख को देवनगरी दौसा से सांसद का अपना नामांकन डालूंगा और जिसकी तैयारी हमने आज से चालू कर दी है। आज हम अभी दौसा में एक कार्यालय अपना डाल लेंगे, चुनावी कार्यालय, और उसके बाद हम गांव-गांव जाके पीले चावल बांटेंगे।
यू तो प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सभी की नजरें हैं। इस रिपोर्ट में बात ऐसी 8 हॉट सीट की। लोकसभा चुनाव को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। अब प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। प्रत्याशियों के नाम देखने से लग रहा है कि कुछ सीटों पर इस बार रोचक मुकाबला होने वाला है। बीकानेर में बीजेपी के अर्जुन मेघवाल और कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल के बीच मुकाबला है। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया। हालांकि मेघवाल हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं, जबकि बीजेपी की ओर से बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनावी मैदान में हैं। अर्जुन मेघवाल मोदी के साथ राम लहर पर भी सवार हैं। सामान्य के साथ एससी और ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है। जाट मतदाता दोनों ही पार्टियों के लिए निर्णायक है। जिधर जाट गए, माना जा रहा है कि उस पार्टी का ही पलड़ा भारी रह सकता है। तो चूरू में देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से राहुल कस्वा हैं। देवेंद्र झाझड़िया खेल के पुराने और राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। बीजेपी से टिकट पाने से वंचित राहुल कस्वा कांग्रेस में चले गए। इस बार राहुल को मोदी के साथ राम लहर का भी सामना करना पड़ेगा, पर उनके पास जाट एससी और मुस्लिम समुदाय को साध कर चुनावी वैतरणी पार करने का विकल्प है। वहीं अलवर में बीजेपी के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच सीधा मुकाबला है। अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने ललित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ललित यादव राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव हैं और वर्तमान में जिले की मुंडावर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी ने अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। भरतपुर में बीजेपी के प्रत्याशी राम स्वरूप कोहली और कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जाटव के बीच टक्कर है। बीजेपी ने भरतपुर में पूर्व सांसद राम स्वरूप कोहली पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने यहां जाटव कार्ड खेला है। जाटव एससी और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण कर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ने की दिशा में काम कर रही है, पर कांग्रेस के पास ना तो संगठन मजबूत है और ना ही नेताओं में एकजुटता है। वहीं मारवाड़ के जोधपुर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से करण सिंह उचियारडा को उतारा गया है। पीएम मोदी के नजदीकी और देश के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। करण सिंह गजेंद्र सिंह की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर उनके विजय रथ को रोकना चाहते हैं। जालौर सिरोही सीट पर बीजेपी ने इस बार लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत मैदान में हैं। बीजेपी ने तीन बार के सांसद देवजी पटेल के बदले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लुम्बाराम चौधरी पर दांव खेला है। लुम्बाराम कार्यकर्ताओं में पुराने हैं, पर उन्हें इतने बड़े चुनाव का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। उनके सामने वैभव गहलोत अपने पिता अशोक गहलोत के राजनीतिक तजुर्बे के दम पर इस लोकसभा सीट को फतेह करने का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं उदयपुर में बीजेपी के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी ने उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा का टिकट काट कर परिवहन अधिकारी मन्नालाल को मैदान में उतारा। मन्नालाल प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, तो कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद मीणा पाली जिले के रहने वाले हैं। ताराचंद मीणा उदयपुर के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। दोनों ही बाहरी हैं, पर दोनों की पोस्टिंग उदयपुर में रही है, इसीलिए इलाकों में दोनों के परिचित हैं। एसटी के साथ सामान्य और दलित मतदाता यहां निर्णायक हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी के सीपी जोशी के सामने कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को उतारा है। सीपी जोशी को भीतरघात का खतरा है, पर मेवाड़ में सीपी की सक्रियता और लोगों के बीच सहज उपलब्धता से सीपी अभी भी अपने विरोधियों से आगे हैं। उदयलाल आंजना पूर्व मंत्री हैं, इस इलाके से जाने पहचाने चेहरे हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं। पर मोदी के साथ राम लहर आंजना पर भारी पड़ सकती है। राजपूत ब्राह्मण एससी और जाट मतदाता यहां पर निर्णायक हैं। बीजेपी ने इस बार 400 पार का मिशन रखा है और अपने मेगा प्लान को अमली जामा पहनाने में पार्टी जोर शोर से लगी हुई है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में दिलोजान से भिड़ी हुई है। 8 सीटों पर उम्मीदवार आमने सामने हैं, मगर अब भी 17 सीटों पर इंतजार बाकी है। देखना यही है कि कांग्रेस और बीजेपी के योद्धा इस बार किस पर कैसे भारी पड़ने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।
चलिए एक बड़ी खबर है जयपुर से। पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर जमीन हड़पने का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पूर्व विधायक समेत चार पर लगाया आरोप। पूर्व विधायक सोलंकी ने मामले को झूठा बताया है, कहा राजनीतिक छवि खराब करने की हो रही कोशिश। भूरटिया गांव स्थित राधे रेजिडेंस आवासीय कॉलोनी का ये पूरा मामला है। एक और बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज है, शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर होगा मंथन। तो फिलहाल दिल्ली से ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। आपको बता दें कि आज राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ मौजूद रहेंगे। 10 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अगला बुलेटिन जरूर देखिएगा। प्रदेश हमारा में आज की बड़ी खबरें।